Hey fam, welcome back to the 10 stack. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड जैसे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई मुनावर भाई हमारे गए हुए हैं बिग बॉस में, आपने उसके ऊपर वीडियो नहीं Yes. बनाई है, तो भाई हम भी वेट कर रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुछ ऐसा हो और हम ना करें। हम वैसे भी कोई भी यूट्यूब क्रिएटर या हमारा कोई फेवरेट ऐसा जाता है बिग बॉस में, करते हैं एंड वीडियोज We हम all बनाते reach, हैं। yes. यस, तो अब Yes. भाई अब आप देख लो, आपने बोला है हमने शुरू करे तो अब ये लंबा जाएगा खेल, ये समझ लेना। तो हम पहली वीडियो लेके आए, एक मुनावर भाई की एटीट्यूड वाली वीडियो है फ्रॉम द बिगिनिंग, जो भी रही होंगी मजेदार, इसमें एटीट्यूड क्लिप्स देखने को Yes, मिलेंगी। लेट्स let's बिगिन begin. और देखते हैं वीडियो कैसी है। जब आप एक हफ्ते से पूरे जमाने के सामने बोलते हो कि अभिषेक को लगाम नहीं है, अभिषेक पे कोई कंट्रोल नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभिषेक पे कोई लगाम नहीं है, अभिषेक पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमने तो उसको समझाना ही छोड़ दिया है। फिर ऐसे इंसान के सामने आप कुछ ऐसी बात करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो किया ही नहीं, उसने ही की नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ मैंने अपने तीन पोटेंशियल फेवरेट्स को एक साथ यहाँ पे बुलाया है। वो था तूफान जो दस्तक देकर आया था, अकेला था लगा लश्कर लेकर। पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कहना वो डोंगरी वाला आग लेगा। में घर के अलग अलग कोनों में अक्सर हमने बात होते सुना है कि ये एक बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। क्या बात है मुन्ना भाई, ये सब चल रहा है क्या बीट बीच में? कौन होंगे ये, एनी गेसेस? मुनव्वर फारूकी। वेकअप टू रियलिटी, क्या है भाई, आवाज फाइव चली रहा गई? है। तू आई तो थिंक बोल रहा कॉपीराइट की वजह था से घर हटी कौन होगा। है जानता, तेरे को कोई नहीं जानता क्या? भाई मुनावर की भाई जो फैन फॉलोइंग मुनव्वर, मैं बहुत तगड़ी है भाई बाहर, वही मतलब कह रही, जो मुनव्वर फारूक को नहीं जानता, आर यू हाँ फॉर रियल? भाई वो तुम वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, समझ रहो? इतना सन की हाजी है ना अंदर, समझ रहो कि खुदा से दुआ करते कि भाई उम्मीद से जाके मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पे ये मिरर थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए था है ना, बहुत ज्यादा है ना, भागते हुए खुद को देख के कॉम्पिटिटर को देखो ना सामने तो अच्छा लगता है कि नहीं? सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी। और मैं बिग बॉस नहीं हूँ भाई, मैं पहली बार फोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे लगा बिग बॉस ऐसे साउंड होगी। ये तू आखिरी बार फोन पे बात कर रहा है, फोन रख, सामान बांध और घर के बाहर निकल। और मैं सुनूं क्यों तेरी अच्छा? बात? बिग बॉस थोड़ा धुआं मिलेगा क्या? जरूर। अरे तेरी गांजली जली तो जली, बोले किसी गांजली, हाथ खड़े करो किसी की गांजली। टाइम एक समय ऐसा आएगा कि मुनव्वर अपने हिसाब से गेम चलाएगा, क्योंकि है एक्सपीरियंस वाला, कभी पीछे हटता है क्या? बोलने से ज्यादा बिग बॉस दिखाने में बिलीव करता हूँ, और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करता जो फोर्स लगे। मैं टाइम लेता हूँ चीजों के साथ, ज्यादा भी नहीं लेता, बट उन्हें नेक्स्ट डे से दिख गया होगा। ओके। आपको शायरी कैसी लगी बिग बॉस मेरी, वो हल्दी वाली मेहंदी वाली? शायरी की पूछ रहे हैं आप, शब्द तो आपके गुलाम है ही। फुल लेटर दिसा गोट।
प्यार प्यार यार प्यार यार सब तो बहुत दूर की बात है, वो करने में ना आया हो ना मेरे को। शायद मैं भी उनके जगह होती तो मैं भी उन्हीं का नाम लेती, तो वो एक बहुत ऑब्वियस आंसर था क्योंकि आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉट इम्प्रेस्ड। ये मुझे इनमें ना कोई लीडरशिप क्वालिटी लगती है और ना ही इनमें कोई लीड करने की कोई क्वालिटी लगती है। इनको बड़ी हंसी आ रही है, आप हंसे क्यों है? इसलिए हंसा क्योंकि आज पहली बार सना ने इतना बोला है। सुधर जाओ, सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ। सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ। अबे सुधर जाओ। ये तो लॉकअप की क्लिप है। हाँ उसने कपड़े धोने में हेल्प कर दी तो क्या हो गया? तुम लोग ना बात का पतंगड़ी अलग ही लेवल पर बात का पतंगड़ बना दो तुम लोग। समझे why are you watching Big Boss? Only one reason. Last time ये Elvis था, उससे पहले MC Stan था, was one reason to watch Big Boss और अब मुनावर है and दोनों time पैसे हुआ, जो reason था वही जीता है और अभी भी रीजन इज मुनावर। किसको सपोर्ट की जरूरत है गेम में टिके रहने के लिए? मुझे। ओके फाइन। सॉरी। उसे शायद लगे उसके नहीं जरूरत है बट जेन्युइनली उसे जरूरत पड़ जाती है। स्मार्टली खेल रहा है मुनावर। बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट ही है। भाई सब स्मार्ट ही खेल रहे हैं। सब स्मार्ट। आपको पता था हमारा इशारा किस तरफ है मुनावर बट well played. मुनावर भाई की एनर्जी मतलब सच में नेक्स्ट लेवल है। मुनावर भाई ओपी भाई, नाइस वन, नाइस भाई। मुनावर भाई के रेट डबल हो गए हैं। लॉकअप क्या थी, मजाक समझ रहे हो? बहुत फायदा हुआ इसको। ये भी लॉकअप की क्लिप थी, लोकल आफ्टर लॉकअप। बट आई रिमेम्बर सलमान खान इज आल्सो बेस्ट विद उल्टा चल रहा है उसके साथ। लकड़ी के जाले में कुछ वक्त बिताना चाहिए, लफड़ा किसी का भी हो मजा आना चाहिए। ओके दैट वाज इट। आई रिमेम्बर जब लॉकअप आया था तो हमने लॉकअप की क्लिप्स भी मुनावर की कवर करी थी एंड हमने तब मुनावर की शायरी वाली क्लिप्स भी कवर करी थी एंड मतलब लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो भाई मुनावर इज शायरी की राइट राइट शायरी मैंने शायरी हाँ मतलब राइटिंग भी खूब मतलब हर चीज में शब्द गुलाम है ना तो मैंने इसे भी सुना है कि बिग बॉस में खूब कहा है। बिग बॉस में भी काफी शायरी चल रही है मुनावर की तो वी विल कवर दैट एज वेल इन अ स्पेसिफिक वीडियो। सिर्फ शायरी वाली वीडियो कवर करेंगे। बाकी ये वीडियो बढ़िया थी, मजा आया देखने में, वी एंजॉयड इट एंड आपको भी मजा आया। अगर आपको हमारा संदेश आया तो मेक श्योर गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू गो इनटू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।